हेलो एवरी वन, वेलकम टू माई चैनल फनजिला डॉट नहीं आर्ट्स, फनजिला आर्ट्स है ये। मैं कुछ बोल रही हूँ तो सुन लो। ये मैं सुबह सुबह उठ के ना मैं बता रही थी आपको, ये वॉइस ओवर मैं बाद में कर रही हूँ, बीच में कुछ बता रही हूँ उसकी आवाज़ मैं थोड़ी सी ज़्यादा कर लूँगी। सरगी खाने के लिए उठी हूँ, 5 बज रहे हैं, खा लेते हैं। और मेरी शादी नहीं हुई है लेकिन फिर भी मैं व्रत रखती हूँ, तो मम्मी भी रख रहे हैं। ठीक है चलो फिर खा लेते हैं। ये थोड़ी सी है, हम लोग थोड़ी सी सरगी खाते हैं तो सुबह सुबह उठ के ना थोड़ा सा खाना पड़ता है, नहीं तो पूरा दिन भूख के प्यासे रहना मुश्किल हो जाता है। ये सरगी का है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा है, तो इसलिए मैंने सोचा दिखा देती हूँ। अब मुझे दिखाने में शर्म आ रही थी तो इतना ही खाते हैं हम लोग, है ना। तो ये मेरी मम्मी है, ज़्यादा तैयार नहीं होते ये, अब इनको टेंशन रहती है बहुत सारी, तो ये इसलिए ज़्यादा हम लोग तामझाम नहीं करते जो है अब वो आपके सामने है। ठीक है, करवाचौथ के मौके पर। सो मैं मंदिर पहुंच गई, ये स्लो मोशन पे है। मैंने थोड़ा सा ना वो बनाया था यार, इसको थोड़ा सा फास्ट, ये कोई 2 मिनट की वीडियो बनाई थी तो वो पॉज करते ही बना दिया है मेरे ख्याल में। ये अक्सर मेरे से ही गलती हो जाती है, मैं पॉज कर देती हूँ और मैंने सोचा मैंने वीडियो बनाई है, वही दिशहरा वाली बात आ गई। दिशहरा पर भी मैंने जो जब कुंभकर्ण चल रहा था वीडियो बनाई जा रही थी, बाद में पता चला मैंने पॉज रखा हुआ है, तो वही मैंने यहाँ पर भी ऐसा ही किया। तो ये हमारे राधा कृष्णा का मंदिर है रामबाग, पहले भी आए हैं हम लोग यहाँ पर, जय माता दी। तो यहाँ पे मुझे चढ़ाना था करवा चौथ का व्रत का ना, वो ऐसे माता पार्वती को चढ़ाती हैं, जो मैरिड होती हैं वो माता पार्वती को चढ़ाती हैं, जो अनमैरिड होती हैं तो वो राधा जी को चढ़ाती हैं ताकि उनको एक मनवांछित वर मिल सके। सो मैंने उन्हीं को चढ़ाना था। तो ये हमारा रामबाग है, ये आपने पहले भी देखा मेरे ब्लॉग में, ठीक है, जन्माष्टमी वाले दिन देखा था आपने, जन्माष्टमी वाले दिन वहाँ पे बहुत क्या था, रौनक थी, लेकिन सजाया ऐसा ही था। तो आज कम लोग हैं करवा चौथ पे, कम लोग आते हैं, औरतें ज़्यादातर इकट्ठी होती हैं, खुद ही इकट्ठी होती हैं। तो वो राधा कृष्णा का मंदिर है, ये उन्हीं के साथ शिव जी जी का है। यहाँ पे जो मैरिड वाली हैं वो पार्वती को चढ़ा रही हैं, पार्वती जी को चढ़ा रही हैं, मैंने राधा जी को चढ़ाया। तो ये मैं मंदिर दिखा रही हूँ पूरा का पूरा, है ना, कितना सुंदर मंदिर है। और ये मैं हूँ हैप्पी, है ना, ग्रीन कुर्ता, यही वाला कुर्ता सिलवाया है अभी। इसका ब्लॉग क्या है, इसका कटिंग एंड स्विंग वाली वीडियो आने वाली है, इसको कैसे कट किया मेरी दीक्षा भाभी जी ने, ठीक है, उन्हीं का ही है। और ये राम बाग है, बहुत बड़ा है, मैंने सोचा इसको भी दिखाई देती हूँ आपको, पूरी तरह से अच्छे से दिखा देती हूँ, है ना। ज़्यादा बड़ा ब्लॉग नहीं है, 10 मिनट का ही है, अब इससे बड़ा नहीं बना सकती थी क्योंकि इतना कोई बड़ा वो था नहीं। ये मेरी बच्चे हैं ना अरुचि एंड क्या नाम है उनका, लक्ष्य, उसकी मम्मी है, ये दोनों उनकी मम्मी है, दोनों देवरानी जेठानी है। और ये पारू दक्ष की बहन है, ये क्या कर रही है, ये कार्टव्हील कर रही है आपके सामने, एक्चुअली कर रही थी खुली जगह पे, बच्चे खुश हो जाते हैं तो फिर उनको खेलने के लिए काफ़ी स्पेस मिल जाती है। वैसे तो उनका घर भी काफ़ी खुला है। तो ये नरसिंह भगवान का मंदिर है, ये रामबाग में ही है, उनके पास काफ़ी जगह है तो उन्होंने नरसिंह भगवान का मंदिर भी बना दिया हुआ है। लिटरली उन्होंने बहुत सुंदर मंदिर बनाया हुआ है, ये एकदम जो साउथ के मंदिर है ना उनके लेवल पे मंदिर बना दिए हैं ये वाले। एंड आई रियली अप्रिशिएट दिस थिंग कि बिश्नाह में ये मंदिर बहुत सुंदर है बनाया हुआ, है ना। दिखाओ अपनी पूरी ड्रेस। तो ये लक्ष्य की मम्मी को मैंने बोला, लक्ष्य की और इनकी रुचि की मम्मी को मैंने बोला भाई अपनी अपनी ड्रेसेस दिखाइए। तो उन्होंने बहुत सुंदर सी खूबसूरत सी ना सूट्स पहन के रखे हुए हैं, तो ये सुंदर सुंदर सूट्स दिखाना जरूरी है ना ऑडियंस के लिए। मैंने इनको बोला कुछ बोलो, हाय। और ये मैं खोद हूँ, ये पारू ने रिकॉर्ड किया है। अब मेरे को लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा ना ये, आई यार मैं जब भी ब्लॉग्स बनाती हूँ मैं बच्चों के साथ बनाती हूँ, तो लेडीज़ लोग, मेरे पास जाने को कोई था नहीं तो इनके साथ आई, यार इनके साथ भी आना बहुत अच्छा रहता है ना, मैरिड एंड ये जो एक्सपीरियंस लेडीज़ होती हैं उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं अजीब सी नहीं लग रही सूट पहन के, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैं सूट पहन के थोड़ी अजीब लग रही हूँ, या फिर ये दुपट्टा मेरे पास कोई वो था, मैंने मफलर सा लिया हुआ है शायद, सर शायद इसीलिए फील हो रहा। तो ये पारू देखो, हैप्पी करवा चौथ, मैं कुछ लेक्चर देने वाली हूँ, हैप्पी करवा चौथ। ये लक्ष्य की बहन है, बस इतनी सी है लक्ष्य, पता है हाँ। बता देंगे, मेरी होम ट्यूशन वाला बच्चा लक्ष्य। सो ये यहाँ पे हवन वगैरह होता है, मैं पीछे की आवाज़ नहीं बंद कर रही हूँ, उसकी आवाज़ आपको थोड़ी थोड़ी सुनाई देती जाएगी जो मैं बोल रही थी। ये मैं एक्स्ट्रा वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको हर चीज़ क्लियर हो जाए, है ना, आपको गप्पे मारने का मन कर रहा है
और ये मंदिर काफ़ी बड़ा है। मेरा मन कर रहा था थोड़ी देर रोड रुकूं, ये देखो इन्होंने बहुत सुंदर बनाया हुआ है। मैं मंदिर को ही डिस्क्राइब करी जा रही हूँ क्योंकि शायद यही है मेरे पास दिखाने के लिए आज। क्या ना मंदिर ब्लॉग हो गया, इसको रामबाग बोलते हैं, बिश्नाग का रामबाग। बाकी मंदिर मैंने लास्ट टाइम आपको दिखाए थे जन्माष्टमी में, आप मेरी जन्माष्टमी वाली वीडियो पर जाओ, उसमें मैंने सारे मंदिर दिखाए हुए हैं बिश्नाग के। आपको माता का मंदिर भी दिखाया, राम मंदिर भी दिखाया हुआ है, बाकी जितने मंदिर हैं मैंने सारे दिखाए हैं। आज मैंने आपको रास्ता दूसरा, पिछली बारी जब मैं जन्माष्टमी में गई थी, जन्माष्टमी मंदिर गई थी, तो मैं दूसरे बाज़ार वाले रास्ते से आई थी वापस। ये मैं कच्चे तालाब मतलब पीछे का रास्ते से आ रही हूँ, यहाँ पे वापस आ रही हूँ। तो पीछे मैंने उनको छोड़ दिया, आगे मैं पैदल ही अकेली ही चल रही हूँ शाम के टाइम पे। तो ऐसा नहीं है रात के टाइम पे लड़कियाँ जा सकती हैं, हमारे यहाँ पे इतना कोई डर नहीं है। तो यहाँ पे मैं अकेली ही जा रही हूँ, तो अकेली मैंने सोचा रास्ता दिखा देती हूँ आपको। ये मैं हूँ, ठीक है, ये पीछे का रास्ता है। ये पिछली बारी मैंने आपको, मैं फ्रेंड के साथ जन्माष्टमी में मैं अपनी फ्रेंड ज्योति के साथ गई थी शायद, है ना, शायद क्या पक्का ही गई थी। ये गंदी आदत पड़ गई है मेरे को शायद बोलने की। ये साइड साइड के घर है, ये मैं पैदल ही चल रही हूँ, आपको पैदल चलती चलती दिखा रही हूँ। एक बारी मैंने केसी मोड़ वाला रास्ता दिखाया था मम्मा के साथ, यहाँ पर रामलीला हुई थी, रामलीला ब्लॉग देखा आपने मेरा, हाँ यहाँ पर रामलीला हुई थी। मैंने ज़्यादा ब्लॉग्स नहीं बनाए थे उसका, एक ही फर्स्ट डे पर थोड़ा सा बनाया था। और ये मैं घर पहुँच गई, और ये टी 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 टी, ये मैं घर पहुँच गई। ये मेरे खिड़की के आगे, मुझे नहीं पता ये टी 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 क्यों करते रहते हैं। तो ये मेरे घर के, हमारे लड्डू गोपाल जन्माष्टमी में आपने ये भी देखे होंगे, इनसे आप इंट्रोड्यूस्ड हैं पहले से ही, है ना। और ये हमारा छोटा सा मंदिर है मेरे घर का, छोटा सा मंदिर। और उसके बाद आगे क्या है ये मैं पता नहीं क्यों दिखाती रहती हूँ। तो चलो ये माता रानी, ये क्या करें यार अब ये मैंने एक रेलिक पेंटिंग बनाई हुई है, ये मैंने बनाई है, ये जो माता रानी के फ़ोटो मैं दिखा रही हूँ ना, ये मैंने बनाई है, ये माता रानी है ना, सुंदर हूँ ना मैं कारीगर। तो चलो फिर चांद निकल गया, करवा चौथ का चांद देखो ध्यान से, है ना कितना सुंदर लग रहा है पूरा येलो येलो। इसको थोड़ा जूम करके दिखाएंगे, है ना, दूर हो गया, पास 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 पास, वो जूम करके दिखाएंगे। ये करवा चौथ जी का चांद है ना, कितना सुंदर है ना करवा चौथ का चांद। ये काफ़ी लेट हो गए हम लोग जाने के लिए, मैं 9 बजे गई थी ऊपर। तो ये मेरी मम्मा है, ज़्यादा तैयार शायद नहीं हुई है बाकी लेडीज़ की तरह, ये ज़्यादा तैयार नहीं हुई है, ये टेंशन में ही पड़ी रहती है इनकी बेटी की शादी कब होगी, है ना, जॉब कब लगेगी। तो क्या ही कर सकते हैं अब, हो सकता है इस बड़ी या कब इनकी इच्छा पूरी होगी इनकी बेटी कौन है, मैं ही हूँ बाय द वे। तो ये आसमान में बम वो कर रहे थे, ये लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, मतलब साइड के लोग अपने अपने घरों में बम जला रहे थे। तो मैंने सोचा अब छत पे आई गई हूँ तो आसमान में आपको बम की बारिश दिखा देती हूँ। करवा चौथ का चांद तो दिखा दिया ना, कितना सुंदर लग रहा है ना आसमान देखा। चलो ऊपर आई हूँ तो थोड़ा सा लाइटिंग भी दिखाई देती हूँ आपको, ये सुंदर लग रही थी यार मेरे को, बड़ी सुंदर लगी। फिर मैंने रिकॉर्ड कर लिया, फ़ोन पकड़ा हुआ था तो ये भी रिकॉर्ड कर लिया, है ना कितना सुंदर लग रहे हैं, वाह ब्यूटीफुल। लाइटिंग देखना अच्छा लगता है लेकिन शोर मचाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी जब आप आसमान में देखते हो ना, अगर ये बिना ज़्यादा ना ज़्यादा मतलब ज़्यादा धमाकों के, अगर ये वाले लाइट ये जो होते हैं क्रैकर्स जो होते हैं बिना धमाकों वाले हो ना, तो आई थिंक ज़्यादा रहता है मज़ा आता है इनको देखने में। तो ये मम्मा अर्घ दे रही हैं, खुद को नहीं रिकॉर्ड कर सकी इसलिए मैंने मम्मा को ही रिकॉर्ड कर लिया, खुद को कैसे करूँ दोनों हाथों में, तो खुद को नहीं रिकॉर्ड किया, ये छन्नी मैंने पकड़ी हुई है और ये मम्मा अर्घ दे रही हैं चांद वो, ना मेकअप ना कुछ। चलो ठीक है, सिंपलैरिटी में भी लोग सुंदर लगते हैं। शी इज क्या कर रहे हैं, अर्घ दे रहे हैं चांद जी के सामने, पर बाद में अपने अर्घ की फ़ोटो नहीं ली है क्योंकि मैं खुद को थोड़ी ना रिकॉर्ड करूँगी, वो कैसे करूँ। तो हो गया अर्घ दे दिया हमने, अभी क्या करना, अभी नीचे जाना। मैंने सोचा था तो और थोड़ी सी क्रैकर्स को रिकॉर्ड कर लेती हूँ, ये थोड़ा सा और क्रैकर्स जो हैं लोग चला रहे हैं चांद निकलने के खुशी में, है ना, चांद निकलने की खुशी में क्रैकर्स चला रहे हैं। तो मैंने थोड़ा 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 रिकॉर्ड कर लिया आसमान हमारा। तो हम ये छत से नीचे जा रहे हैं, ये ऊपर वाली छत है, मैंने दिखाई नहीं कभी आपको, है नहीं है नीचे, यहाँ की फ्लोरिंग नहीं हुई हुई है अभी तक इसलिए अच्छा नहीं है। तो ये मम्मी पापा
मैंने इनको रिकॉर्ड नहीं किया ज़्यादा, तो ये मैं तो ब्लॉग ख़त्म करने का टाइम आ गया, यही मैं ऐसे ही तैयार हुई हुई थी, ज़्यादा नहीं है। तो होपफुली आपको मज़ा आया होगा देखने में, और मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। ये मेरे हाथ की मेहंदी काफ़ी ज़्यादा अच्छी डार्क चढ़ी हुई है, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम के लिए। होप यू लाइक इट, तो मिलते हैं दोबारा। सी यू, टाटा, सायोनारा, बाय बाय।